आईपीएल का रोमांच लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। यह एक साल में एक बार होता है जब आईपीएल को देखने के लिए करोड़ों फैंस बेताब रहते हैं, और जब ऐसे में मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहले ही हो जाए तो रोमांच अपने आप दो गुना तक बढ़ जाता है। लेकिन वुमेन्स प्रीमियर लीग में आरसीबी की टीम को जीत दिलाने वाली एलिसे पेरी ने भविष्यवाणी करते हुए आरसीबी की टीम को जीत का गुरु मंत्र दिया है। तो चलिए बताते हैं क्या बोली एलिसे पेरी। लेकिन अगर आप भी आरसीबी के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल 2024 में पहला मुकाबला आरसीबी और सीएसके के बीच 22 मार्च को होना है। तैयारी चल रही है। विराट कोहली आईपीएल के लिए वापसी कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी भी प्रैक्टिस में आसमानी छक्के ठोक रहे हैं। दोनों ही टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ियों की भरमार है, जिनके चलते मुकाबले काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। ग्लेन मैक्सवेल, डुप्लेसिस, कैमरन ग्रीन और विराट कोहली जैसे दिग्गज आरसीबी के पास है, तो रचिन, रविंद्र, डेरिल मिचेल, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली और महेंद्र सिंह धोनी जैसे सूरमा चेन्नई के पास है। इसीलिए मुकाबले काफी ज्यादा कांटे का होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच हाल ही में वुमेन्स प्रीमियर लीग में आरसीबी की टीम को पहली बार विजेता बनाने वाली एलिसे पेरी ने एक इंटरव्यू में इस मुकाबले पर बात करी। उन्होंने कहा, जब हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का हिस्सा है तो हमारी रग रग में आरसीबी का खून है। मुकाबला चाहे महिलाओं का हो या फिर मेंस क्रिकेट टीम का, हमेशा से ही सपोर्ट आरसीबी की टीम को रहेगा। उन्होंने बताया कि चेन्नई की टीम भी काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन आरसीबी की टीम सिर्फ इस मुकाबले को जीत सकती है क्योंकि उन्हें एकजुट होकर क्रिकेट खेलना है। टीम के अनुभवी खिलाड़ी अगर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे तो हमें युवा खिलाड़ियों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विराट, सर मैक्सवेल और डुप्लेसिस के साथ मुझे कैमरन ग्रीन पर काफी ज्यादा उम्मीद है। यह पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, और जब विपक्षी टीम बड़े स्कोर को चेस करती है तो उसके लिए आसान नहीं होता, भले ही सामने धोनी क्यों ना हो। इसलिए मेरा मानना है, पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम बड़ा स्कोर बनाएगी तो यकीनन इस मुकाबले को जीतेगी। इस तरह से पेरी ने गुरु मंत्र दिया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, कौन सी टीम जीतेगी पहला मुकाबला, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।